तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा वॉशिंग मशीन खरीदना है आपको। होपफुली आपको ये हेल्प होगा। अगर है तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वॉशिंग मशीन पहले लेते वक्त क्या कंसिडर करना है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन लेना है या फिर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, और ये डिफरेंस क्या होता है। यूजुअली जब भी हम डिस्कस करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में ज़्यादा क्लीन होता है यार, तो इसलिए आपको फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन ही लेना है। लेकिन उसका फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट रहता है, प्राइस उसका ज़्यादा रहता है कंपेयर टू टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। लेकिन अभी टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में फिर एडवांटेज क्या हो सकता है। टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में एडवांटेज बिल्कुल नहीं कंपेयर टू फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। सबसे पहले वहीं क्लियरली बता रहा हूँ आपको क्यों इतना टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन इज नॉट गुड, क्यों इतना क्लीन नहीं करता है, एंड फ्रंट लोडिंग इतना ज़्यादा क्लीन क्यों करता है। आप वीडियो को देखते जाइए। तो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन एंड टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन, ये सबसे पहले आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपका बजट क्या है। बिकॉज सी, अगर आपका बजट इज लेस देन 15,000 रुपीज, देन आप बिल्कुल फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं, एंड द टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन इज द वे टू गो। ऑफकोर्स क्लीन करता है, बट नॉट एज कम्पेयर टू कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन जितना क्लीन करता है उतना बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द वे द ड्रम हैज बीन डिजाइनड। तो अगर आप बिल्कुल टाइट बजट पर है तो टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन ही ले रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम, आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप इफ़ यू कैन स्पेंड मोर देन 15,000 रुपीस, देन ऑब्वियसली आपको कंसिडर करना है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, ना कि अच्छा वाला फीचर वाला टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन मिलता है 20,000 रुपीस में वहीं लेंगे। नो नो नो, आपको बिल्कुल लेना है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। बताता हूँ क्यों। देखिए, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ड्रम का जो डिज़ाइन रहता है, वहीं एक कपड़ा क्लीन करने के लिए ज़्यादा अच्छे तरह से वर्क होता है। ऑब्वियसली वहीं ड्रम में तो आप कपड़ा डालेंगे ना, तो वो ड्रम कैसे डिज़ाइन हुआ है एंड वो ड्रम कैसे वर्क होता है, उसके आधार पर ही आपका कपड़ा क्लीन होता है, नॉट बिकॉज ऑफ दी बटन्स एंड दी फीचर्स, वो आप ध्यान में रखिए। तो फ्रंट लोडिंग में क्या होता है, 360 डिग्री का जो ड्रम रहता है, जो ड्रम जैसे टर्न होता है तो वैसे कपड़े उल्टा पलटा होने लगते हैं। उससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द पोर्स इनसाइड द ड्रम, वहाँ से जो जेट स्प्रे करता है पानी को, वो अच्छी तरह से सारा कपड़े का जो भी फ्रंट बैक एंड जो भी रहता है वो अच्छी तरह से कवर होके आपको क्लीन ज़्यादा देगा। एंड वो क्या होता है, अगर आप टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में लेंगे तो बिकॉज ऑफ द बेस ड्रम जो रहता है बिल्कुल फ्लैट का, वो जैसे भी डिज़ाइन किए हो वो सिर्फ रोटेट ऐसे होता है एंड कपड़ा उल्टा पलटा बिल्कुल नहीं करता है, उसके वजह से क्या होता है कि कम क्लीन होगा। अगर करता भी है तो कंपैरेटिवली बहुत ही कम करेगा ये, तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा क्लीन का उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हमने भी टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन लिया था, तो बाद में जब हम फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन को अपडेट किए तो बिल्कुल ही फ़र्क दिखने लगा उस फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में। तो इसके आधार पर, इसके बेसिस पर बता रहा हूँ, लाइक वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन 15 ईयर्स। अभी फ्रंट लोडिंग दो तीन वॉशिंग मशीन भी चेंज किया है, टॉप लोडिंग का भी चेंज किया है, तो उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन आपको लेना है, डिसाइड कर दिए है, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड मोर देन 15,000 रुपीज, एंड मेरे सजेशन के हिसाब से आपको बिल्कुल फ्रंट लोडिंग ही लेना है इफ़ यू कैन स्पेंड मोर देन 15,000। तो अभी इसमें कौन सा लेना है, क्या देखना है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि वेट, कि 5.5 केजी का लेना है या फिर 6 केजी का लेना है या फिर 7 केजी का लेना है, डिपेंडिंग ऑन द फैमिली मेंबर्स ऑफ कोर्स। अगर मान लीजिए 3-5 पर्सन है घर में, तो 5.5 केजी इज एनफ। अगर मान लीजिए मोर देन 5 एंड लेस देन 7 मेंबर्स है, तो 6 केजी आपको लेना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए कि इफ़ यू हैव मोर देन 7 पर्सन्स, ऑब्वियसली यू हैव टू कंसिडर 7 केजी का हो, या फिर आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड 40,000 रुपीज, देन ऑब्वियसली यू गो एंड बाय दी 8 केजी वाला या फिर 7 केजी वाला वॉशिंग मशीन विथ प्लेंटी ऑफ फीचर्स, तो उसमें बात ही नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल 15-30,000 रुपीज के बजट में देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सा लेना है, देन आप बिल्कुल वेट को कंसिडर कीजिए। एंड इफ़ यू आस्क मी, देखिए अभी 3-5 पर्सन्स रहते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा 5.5 केजी का लेना है, तो क्या होता है कि अभी देखिए 5.5 केजी वॉशिंग मशीन एंड 6 केजी का वॉशिंग मशीन में बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है वैल्यू में। तो फॉर एग्जांपल 5.5 केजी का वॉशिंग मशीन 18,000 में मिलता है, तो 6 केजी का ऑब्वियसली 20-21,000 में मिल जाता है, तो सिर्फ 2-3,000 रुपीज डिफरेंस रहता है 5.5 टू 6 केजी का। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको कंसिडर करना पड़ता है 6 केजी का। तो 5.5 केजी का वॉशिंग मशीन लेना आप सोचिए अभी मत, बिकॉज 6 केजी वहाँ पर आपको मिल जाएगा 2-3,000 रुपीज डिफरेंस में, एंड इट इज वर्थ द मनी, ट्रस्ट मी। तो 6 केजी का अभी आपको लेना ही है। आइदर यू हैव 3 मेंबर
members in the family or 5 members in the family, तो 6 kg washing machine is the one to pick for. तो उसके बाद अभी नेक्स्ट फीचर क्या देखना है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में. तो यहाँ पर फीचर देखिए, डायरेक्ट ड्राइव मोटर का मिलता है एंड वन मोटर विच हैज़ गॉट बेल्ट सिस्टम. तो उसको ड्रम कनेक्ट किए रहते हैं, जैसे मोटर रोटेट होता है उसी तरह ड्रम भी रोटेट होने लगता है वो बेल्ट को कनेक्ट होके. तो वैसे वाला एक्चुअली ट्रेडिशनल है, पहले वैसे आता था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट ड्राइव मोटर का आने लगा है. तो आपको कंसिडर करना है डायरेक्ट ड्राइव मोटर वाला ही. मैंने एक्चुअली दोनों भी यूज़ किए हैं एंड दोनों वर्क बेटर एंड रिलायबिलिटी भी ज़्यादा है, लेकिन द नंबर ऑफ पार्ट्स इन साइड द वॉशिंग मशीन क्या होता है वो डायरेक्ट ड्राइव मोटर में बिल्कुल कम रहता है एंड इजिली रिप्लेसेबल भी होता है. तो डायरेक्ट ड्राइव मोटर का जो वारंटी देते हैं अराउंड 5 to 10 years easily देते हैं, तो अगर कुछ होता भी है तो आप बिल्कुल उसको replace कर सकते हैं वारंटी में. तो आप कोई भी ब्रांड लीजिए, आजकल डायरेक्ट ड्राइव मोटर ही मिलता है एंड उसके वजह से क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम नहीं होता है एंड बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिज़ाइन बन चुका है अभी वॉशिंग मशीन्स. तो ये बिल्कुल एडवांटेज है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना है, टॉप लोडिंग ले रहे हो या फिर फ्रंट लोडिंग ले रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना है स्पिन स्पीड. जो इसका रोटेशन पर मिनट होता है, आरपीएम स्पीड जो कहते हैं, उसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 800 आरपीएम का लेंगे तो इतना फ़ायदा नहीं रहेगा, बिकॉज अगर 800 आरपीएम में वो रोटेट होता है तो कपड़ा ज़्यादा सूखता नहीं, तो ड्राई ज़्यादा नहीं होता है. तो इसीलिए मिनिमम स्पीड रहना है 1000 आरपीएम. तो स्टैंडर्ड आप देख लीजिए 1000 आरपीएम रहना है, अबव 1000 आरपीएम, अगर 1200 आरपीएम रहता है तो और भी ज़्यादा अच्छा, बिकॉज कि जल्दी से कपड़ा ड्राई होगा और बिल्कुल फुल पूरी तरह से ड्राई भी होगा. मैंने दोनों भी यूज़ किया है, 1200 आरपीएम का भी देख लिया है एंड 1000 का. तो 1200 आरपीएम में ज़्यादा ड्राई होता है कपड़ा एंड लेस ड्राई इन दी 1000 आरपीएम. तो 800 आरपीएम अगर रहता है तो बिल्कुल आप बहुत कच्चा रहेगा कपड़ा एंड यू हैव टू अगेन वो आपको सूखने के लिए डालना ही पड़ता है निकाल के. तो वो आपको कंसिडर करना है कि ड्राई स्पीड कितना है इसका. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजिटल लेना है या फिर सिर्फ बटन्स एंड एनालॉग जो रोटेटेबल नॉब रहता है वो वाला लेना है. तो वो कौन सा भी ले लीजिए आप, डिपेंडिंग ऑन दी बजट. अगर आपका बजट अभी 30,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिजिटल पर ही जाएंगे ना, तो डिजिटल का ही मिलेगा इजिली आपको. अगर आपका बजट टाइट है 15,000 to 18,000 रुपीज़ में है, तो अगर नॉब वाला एंड बटन वाला मिलता है तो भी नो प्रॉब्लम, वही काम करेगा, अंदर सिस्टम वही रहेगा बिल्कुल. आपको पीसी भी जो अंदर रहता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो एक ही चेंज करके वो डिजिटल लगाते हैं एंड उसके वजह से आपको थोड़ा इजीली रीडेबल रहता है कि कितना मिनट्स बचा है, क्या हो रहा है इसमें, तो वो आपको इजीली पता चलेगा डिजिटल रहता है. तो बस अगर आप 40-50,000 रुपीस स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ बताने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट जो रहता है वो आप पिक कर लीजिए, उसमें डिजिटल ऑब्वियसली रहता ही है और स्मार्टफोन फीचर्स का भी रहता है, तो वो वाला ज़्यादा उसमें फ़ीचर्स मिलेंगे. तो ओनली फीचर्स आर मोर इन दी कॉस्टलियर मॉडल्स. ज़्यादा कुछ उसमें अगर वो बोलते हैं डिज़ाइन ड्रम का ऐसे ऐसे बनाया है, ट्विस्टेड बनाया है, नया निकला है, वो सब मार्केटिंग टर्म्स है एंड द बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है. मे भी थोड़ा अगर जेट स्प्रे यहाँ से वहाँ से ज़्यादा अगर डालेंगे तो ज़्यादा पानी डाल के वो थोड़ा बेटर क्लीन कर सकता है, बस उतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन एंड फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन को डिफरेंशिएट करता है वो है कि एनर्जी सेविंग एंड वाटर सेविंग एज वेल एज डिटर्जेंट सेविंग. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में ये तीनों भी बहुत सेव होगा आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ यूसेज में कंपेयर टू द टॉप लोडिंग. कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए पानी लेता है ऑब्वियसली क्लीन करने के लिए, तो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में जितना लेता है बहुत ही कम लेता है कंपेयर टू टॉप लोडिंग. मान लीजिए अगर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में एक वॉश साइकिल के लिए अराउंड 10 लीटर्स का पानी लेता है तो 1/3 ऑफ दैट विल बी यूटिलाइज्ड, यानी कि अराउंड सिर्फ 3 to 4 लीटर्स पानी में आपको सेम, इससे भी एक्चुअली ज़्यादा क्लीन करेगा फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में. तो आप सोच लीजिए कि सिर्फ 3 to 4 लीटर्स ये ले रहा है एंड 10 लीटर्स वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन. यहाँ पर इतना सेव हो रहा है आपको पानी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. और ये माइंड से निकाल लीजिए कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में इतना बड़ा ड्रम रहता है ज़्यादा पानी लेता है, बिल्कुल नहीं,
बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन कंज्यूम्स मोर वाटर, रिसर्च भी किया है आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, तो एंड फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन बहुत ही कम पानी लेता है। द नेक्स्ट थिंग इज पावर कंजम्पशन, तो बिकॉज ऑफ द ज्यादा पार्ट्स इसमें कुछ नहीं रहता है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में, एंड ओनली प्रिंटेड सर्क्यूट बोर्ड रहता है, एंड द वे द ड्रम वर्क्स उसके लिए रोटेट करने के लिए जो एनर्जी रहता है सिर्फ वही रहता है, ज्यादा पार्ट्स नहीं रहता है, इसकी वजह से पावर कंजम्पशन भी बहुत ही कम रहता है, एंड बिकॉज पानी भी कम ले रहा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा कम पावर यूसेज भी होगा, तो ये पावर एडवांटेज भी आपको फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट का भी अगर थोड़ा आप प्राइमरी वॉश के लिए सेकेंडरी वॉश के लिए थोड़ा थोड़ा डिटर्जेंट डालेंगे तो भी अच्छी तरह से वो, बिकॉज रोटेट होता है 360 डिग्री तो बिल्कुल पूरी तरह कवर कर लेता है। एंड टॉप लोडिंग में आपको सिर्फ स्कूप वाइज डालना ही पड़ता है कि ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन हो सके, तो इसकी वजह से डिटर्जेंट टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में ज़्यादा लेगा कंपेयर टू फ्रंट लोडिंग। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, एंड अगर आपका बजट बिलो 15,000 रुपीज़ है तो आपको ऑब्वियसली चॉइस बन सकता है कि टॉप लोडिंग ही ले रहे हैं, एंड उसमें भी सिमिलर फीचर देखिए, एंड क्विक वॉश कितना है, टाइम 15 मिनट्स है, या फिर अगर आप पॉज करके फिर से कपड़ा डाल के एंड कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं प्रोग्राम, वो वाला देखिए, क्योंकि वो वाला फीचर एक्चुअली कुछ फ्रंट लोडिंग में है एंड कुछ फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के ब्रांड्स ऑफर नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। फॉर एग्जांपल मैंने वीडियोकॉन का लिया था, उसमें क्या होता था कि जस्ट पॉज करके अगर कुछ कपड़े भूल जाते हैं डालना वॉशिंग के लिए तो बिल्कुल आप पॉज करके डोर निकाल के फिर कपड़ा डाल के डोर क्लोज करके प्ले कर सकते हैं, कंटिन्यू प्रोग्राम रोटेट होता है, तो वो वाला फीचर अभी हमने LG का लिया है तो उसमें बिल्कुल नहीं है, तो वो वाला ऐसे फीचर्स आप देख कर लीजिए, तो वो बिल्कुल एक्चुअली टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में यूजुअली रहता है कोई भी ब्रांड्स लेंगे तो टॉप लोडिंग हो या फ्रंट लोडिंग वो वाला फीचर भी आप कंसिडर कीजिए। तो टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में जो ड्रम बेस रहता है वो कैसे डिज़ाइन हुआ है, कैसे वो अच्छी तरह से काम करता है, वो आपको ध्यान में रख के टॉप लोडिंग का लेना है, एंड नॉट द फीचर बटन कितना है इसमें, फीचर्स कितना है इसमें, प्रोग्रामेबल फीचर्स कितना है, वो वाला आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सबसे पहला आपको कंसिडर करना है ड्रम, बिकॉज वहीं तो कपड़ा क्लीन करेगा ना, तो इसके लिए वो वाला आप ज़रूर देख लीजिए। तो होपफुली कुछ इंसाइट मिला होगा, कुछ यूज़फुल रहा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से, अगर है तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।